Assalamualaikum, बहुत शुक्रिया मेरे YouTube चैनल बॉक्स पॉइंट पर आने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके जो हार्मोन है वो आप लोग किस तरह कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स हैं, एक इंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब में 6 हार्मोन होते हैं, इंटरमीडिएट में सिर्फ 1 हार्मोन होता है और पोस्टीरियर लोब में 2 हार्मोन होते हैं। आप लोग इसको किस तरह याद कर सकते हैं, तो पहले मैं आप लोग उसके जो हार्मोन है वो बता देता हूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, मैं बोलूँगा लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूँगा, फिर यहाँ पर पेज पर नहीं आता इसलिए। एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एक है ग्रोथ हार्मोन, ये है थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये एंटीरियर लोब में है। और इंटरमीडिएट में सिर्फ एक है और वो है मेलेनोसाइट, जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करता है। और पोस्टीरियर लोब में 2 है, एक है ADH और एक है ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन है ये पोस्टीरियर लोब। तो इसको आप लोग किस तरह याद कर सकते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस है। इंटीरियर लोब के लिए जो सेंटेंस है वो है आई लेफ्ट GTA, ये GTA गेम है। और यहाँ पर लेफ्ट है तो लेफ्ट को आप लोग देख ली, ये L है, इससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, F से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GTA, G का मतलब है ग्रोथ हार्मोन, ये T है थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, और A एडीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये एक सेंटेंस इंटीरियर लोब के लिए है, आई लेफ्ट GTA। और जो इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर लोब है इसके लिए कंबाइंड सेंटेंस है, इन दोनों के लिए कंबाइंड सेंटेंस है, और वो है, ये मैंने एक नाम लिया है, माहीन इज असिस्टेंट ऑफिसर। तो ये जो M है ये इंटरमीडिएट फर्स्ट है, तो ये मेलानोसाइट, इसका मतलब है मेलानोसाइट पर। A ये ADH पोस्टीरियर, ये भी पोस्टीरियर के बारे में, और O ऑक्सीटॉक्सिन। तो ये सिर्फ 2 सेंटेंस है, आप लोग इससे पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन याद कर सकते हैं। उम्मीद